तो कातिल रियाज के साथ फोटो सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इंडिया न्यूज पर अपनी सफाई दी है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में हम लोगों से मिलते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इसमें अगर कोई कुछ गलत करता है तो सरकार केस दर्ज करके इस पर कार्रवाई करे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी काम करता है। अब मोर्चे के कार्यक्रम में कौन लोग थे नहीं थे, ये फोटो होना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। कोई भी हमारे साथ सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, कहीं भी खड़े रहें, कहीं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहें, शादी में, ब्याह में, कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी फोटोग्राफ हो जाए और उसके बाद भी अगर मान लो किसी को लगता है कि हम फोटोग्राफ में उस क्रिमिनल के साथ हैं तो हमारे खिलाफ भी किस तरह के कार्रवाई शुरू कर दो भाई। अगर हमारा कोई दोष होगा तो आ जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। और सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत मोर्चा है, उसके पदाधिकारी होते हैं, उनके कार्यक्रम में भी हम भाग लेते हैं, उनके कार्यक्रम में भी हम जाते हैं। बिल्कुल सर, यानी कि आपका कहना है कि आरोपी रियाज को आप नहीं पहचानते या फिर जो फोटो वायरल हो रही है उस पर मतलब आप उन्हें नहीं पहचानते, कोई जान पहचान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये है कि हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोग सैकड़ों जगह कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, सैकड़ों जगह आजकल फोटो खींचे जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम सार्वजनिक जीवन में अगर फोटो के आधार पर किसी को क्रिमिनल बनाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद भी अगर किसी को लगता है देश भर में कि भाई हमने उनके साथ फोटो है तो हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। तो गुलाबचंद कटारिया को आप सुन रहे थे, इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने अपनी ये जो सफाई है वो पेश की है।